आज रावलपिंडी का हर बच्चा सर उठा के चल सकता है कि पाकिस्तान में सबसे पढ़ी लिखी माँ और बेटी और बहन रावलपिंडी की है, सबसे ज्यादा। हत्ता के एक रक्षे वाले की बेटियां भी सीएसएस में टॉप करती हैं हमारे यहाँ। ये वही शहर था जहाँ हम 27वें नंबर पे थे तालीम के, और अल्लाह को मंजूर हुआ इंशाअल्लाह ताला तो मेरे मौला की मंजूरी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। लोगों, अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो हमने इस शहर में शराफत की सियासत की है। हम इमरान खान के दोस्त हैं, भाई हैं, साथी हैं, अच्छे और बुरे वक्त में उसके साथ खड़े हैं। वजारत एक कच्ची नौकरी है, आज है कल नहीं है। हमारे बुज़ुर्गों के भी जनाजे यहीं से उठे हैं, इसी गली और बाजार से, और इंशाल्लाह हमारा भी यहीं से उठेगा। और हम जो हैं वो पाकिस्तान में आज रावलपिंडी का नाम इसलिए भी ऊंचा है कि हम गैरतमंद लोग हैं। हमें बदमाशों को सर पर नहीं बिठाया, हमने मंशियात फरोश और क्या होते हैं वो जो ड्रग माफिया, उसको ऊपर नहीं बिठाया। हम में कमज़ोरियाँ भी होंगी, हमारी कमज़ोरियों के बावजूद लोगों ने इस बात का अदा किया कि वो हमारे साथ खड़े हैं। आज रावलपिंडी का पाकिस्तान की हुकूमत में बहुत अहम रोल है, और हुकूमत को गिराने में भी रावलपिंडी का ही रोल था। लोगों की याददाश्त कमज़ोर है, हम ही ने पानामा का केस जीता अल्लाह के हुक्म से, हम ही ने कहा था कि ताबूत भी निकलेगा सबूत के साथ, और हम ही आपको यकीन दिलाते हैं कि इमरान खान की हुकूमत में मसाइल हैं। ये मत समझे कि मैं आपकी बात कैबिनेट में नहीं पहुंचाता। मैं अल्लाह के फजल से, और मैं इमरान खान का मशकूर हूं कि वो मेरी बात सुनता है। किसी और की सुने ना सुने, अल्लाह उसका भला करे, मेरी बात ना सिर्फ वो सुनता है बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत देता है। इस पर कई लोग जेलस भी हो जाते हैं। मैं उसको यकीन जाने हर रोज़ बताता हूँ कि गैस के असरात क्या हैं, बिजली के असरात क्या हैं, महंगाई के क्या हैं। आप यकीन रखें, एक आखिरी गुजारिश आपसे करना चाहता हूं, कभी ये ना समझिए कि हम और आप दो हैं। बेशक आप हमारे साथ हैं या हमारे मुखालिफ हैं, लेकिन पिंडी की चार दीवारी में पैदा होने वाला हर बच्चा हमारा बच्चा है, और हर माँ हमारी माँ। 2019 पाकिस्तान की सियासत का बड़ा अहम साल है, और ये 3-4 महीने मुश्किलात ज़रूर हैं, लेकिन मुझे अल्लाह पे पूरा यकीन है। जिस अल्लाह ने इस पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया, जिस अल्लाह ने पाकिस्तान को दुश्मन को ज़ेर किया पाकिस्तान के आगे, मेरी बात एक याद रखना सराफा बाज़ार के लोगों, पाकिस्तान बिलाखिर तरक्की करेगा, और दुनिया में ऐसी तरक्की करेगा कि लोग कहेंगे कि पाकिस्तान ने तरक्की की है। और इस्लामी दुनिया में हमारा एक मुकाम है। लोग कहते हैं जी कि आओ हम सिर्फ बच्चियों के कॉलेज बनाते हैं। मैं आखिर में आपसे बताना चाहता हूं कि दुनिया में हर बड़े आदमी ने एक बात कही है कि मुझे अच्छी माँ और अच्छा उस्ताद दे दो, मैं दुनिया का नक्शा बदल दूंगा। सो रावलपिंडी की माएँ एक दिन तारीख याद रखेगी कि ये रोमेलों को जन्म देगी या दुनिया के अरस्तुओं को जन्म देंगी, और दुनिया कहेगी, दुनिया बिलाखिर एक दिन कहेगी कि तालीम का किला जो है, तालीम का मीनार जो है, वो रावलपिंडी है। और हम वफादार लोग हैं, गैरतमंद लोग हैं, हम अपने मुखालफ को भी इज्जत देते हैं। मसाइल हैं, मैं आपके सामने ये नहीं कहना चाहता कि मसाइल नहीं है, मसाइल हैं जी, और इंशाअल्लाह ताला इन मसाइल को इमरान खान की क़यादत में मिलकर हल करेंगे। और इमरान खान अगर वज़ीर आज़म है तो आप यही समझें कि शेख रशीद वज़ीर आज़म है इंशाअल्लाह।